हाय गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल पैंथा 11। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं युवा कबड्डी मानसून एडिशन का। ये चैलेंजिंग राउंड स्टार्ट है, मैच नंबर 86 जो आज मॉर्निंग में 9:30 बजे ये खेला जाएगा। गाइस वहीं ये मैच जो खेला जाएगा एरावाली एरोज वर्सेस मराठा मार्बल्स के साथ ये मैच खेला जाएगा गाइस। और चैलेंजिंग राउंड के जो पॉइंट टेबल है उसकी मैं बात करूँ तो सबसे ऊपर मुझे हैम्पी हीरोज़ की टीम नज़र आ रही है, जिन्होंने 19 मैचेस खेले हुए हैं और 16 मैच जीते हुए हैं। 2 मैच इनका लॉस रहा, 1 मैच टाई रहा। वहीं मुथल मैग्नेट्स की बात करूँ तो 20 मैचों में 13 मैच जीते हुए और 5 मैच इनका लॉस रहा, 2 मैच इनका टाई रहा। गाज कजीरंगा हिनोज की टीम ने 19 मैचों में 12 मैच जीते हुए, 6 मैच इनका लॉस रहा, 1 मैच इनका टाई रहा। एरावाली एरोस की बात करें जिनका मैच खेला जाना है सुबह में, वो 19 मैचेस खेले हुए हैं जिसमें 11 जीता हुआ है, 7 इनका लॉस रहा, 1 इनका टाई रहा। विजय नगाड़ा वीर्स की टीम की बात करो तो 20 मैचेज में 9 मैच जीता हुआ है, 10 मैच इनका लॉस रहा, 1 मैच इनका टाई रहा। परियार पैंथर्स की बात करो तो 20 मैचेज में इन्होंने 9 मैच जीते हुए, 11 मैच इनका लॉस रहा, कोई मैच इनका टाई नहीं रहा। और वहीं मराठा मार्बल्स की बात करो तो सबसे नीचे हैं, जिन्होंने 19 मैचेज में 5 मैच जीते हुए हैं और 14 मैच इनका लॉस रहा। गाइस वहीं जो ये मैच जो खेला जाएगा वो एरावाली एरोज वर्सेस मराठा मार्बल्स के बीच ये खेला जाएगा गाइस। वहीं इस वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। गाइस वहीं बात करते हैं टीम प्रीव्यू की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरावाली एरोस की टीम की। एरावाली एरोस की टीम में जो अर्जुन चौधरी, जिन्होंने 18 मैचेस खेले हुए हैं, इनका जो रेट पॉइंट रहा है 123 रहा है और रेट्स टोटल किए हुए हैं 188 किए हुए हैं, टैकल 24 किए हुए, अच्छे रेडर है ये, सॉरी ये ऑलराउंडर, अच्छे ऑलराउंडर है, तो आप अपने टीम में इनको ट्राई कर सकते हो, बेस्ट है। इनका बोनस भी 19 है गाइस। वहीं बात करते हैं विशाल चौधरी की, तो ये रेडर है, 17 मैचेस प्ले किए हुए हैं, 101 इनका रेट्स पॉइंट रहा और टोटल रेट जो किए हुए हैं 214 किए हुए हैं, टैकल इनका 30 रहा, टैकल पॉइंट की बात करूँ तो 15 रहा और गाइस रेट स्ट्राइक रेट जो इनकी रहा 47.19 का रहा, टैकल स्ट्राइक रेट जो इनकी रहा 36.67 का रहा और बोनस पॉइंट इनकी 25 के रहा, बहुत अच्छा है। तो गाइस आप इनको भी अपने टीम एस एल जी एल प्लस जी एल टीम में आप ट्राई कर सकते हो, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी जी एल टीम में ट्राई कर सकते हो। राम कुमार जो बहुत ही अच्छी प्लेयर है, लेफ्ट रेडर है, 8 मैचेज ही प्ले किए हैं, लास्ट के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और रेट पॉइंट जो इनके रहा 75 रहे, टोटल रेट्स 117 किया हुआ है और टैकल पॉइंट जो इनके रहा 8 रहे, टैकल पॉइंट्स की टोटल बात को तो 3 रहे और रेट स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा 64.1 का रहा, टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो जो है 37.5 का रहा और बोनस पॉइंट जो इनके रहा 11 का रहा। तो आप राम कुमार को अपने टीम में जीएल प्लस एसएल टीम में पिक कर लेना, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी इनके साथ जा सकते हो जीएल और एसएल दोनों में, बहुत अच्छे प्लेयर है गाइस। वहीं बात करते हैं साहिल झंडू की, तो ये रेडर है और इन्होंने 17 मैचेस प्ले किए हुए हैं, 63 इनका रेट पॉइंट्स है, रेट्स इन्होंने 132 किया हुआ है टोटल और टैकल पॉइंट जो इनके रहे हैं 21 रहे और टैकल्स पॉइंट्स की बात करो तो 4 रहे गाइस। वहीं रेट स्ट्राइक रेट्स की बात करो तो 47.72 का रहा और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो जो इनकी रही है इस टूर्नामेंट में 14.29 का रहा गाइस। वहीं बात करते हैं हम लोकेश गोसलिया की, बहुत अच्छे डिफेंडर है, लेफ्ट कॉर्नर को कवर करते हैं, इन्होंने 17 मैचेज प्ले किया हुआ है, 1 इनका रेट पॉइंट रहा, रेट्स इन्होंने 2 किए हुए हैं और टैकल बहुत अच्छा किया हुआ है, इन्होंने 115 टैकल किए हुए हैं और टैकल्स पॉइंट इनके 65 है गाइस। टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो जो रहा 50.43 का रहा, तो आप अपने टीम में जीएल प्लस एसएल टीम में इनको ट्राई कर लेना, एज ए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो गाइस। वहीं बात करते हैं चेतन कुमार की, जो डिफेंडर हैं और राइट कॉर्नर को कवर करते हैं, वहीं ये 17 मैचेस प्ले किए हुए हैं और 102 इनका टैकल पॉइंट रहा और गाइस इनका टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो जो रहा 39.2 का रहा, तो ये भी बहुत अच्छे प्लेयर है, तो आप अपने जीएल टीम किसी में इनको पिक कर सकते हो। वहीं बात करते हैं हम तौसीफ अहमद की, तो बहुत कम मैचेज खेले हैं इनको, कम मैचेज में टाइम भी मिला, इन्होंने 7 मैच ही प्ले किया और टोटल 37 रेट है, रेट पॉइंट्स है इनका और टोटल रेट जो किया है 59 किया हुआ है, रेशियो इनका काफ़ी अच्छा रहा है बट बहुत कम मैचेज में खेले हुए, अगर ये खेलते हैं तो अपने आप अपने टीम में जीएल एसएल में ट्राई कर सकते हो तौसीफ अहमद को, ये भी अच्छे प्लेयर है गाइस। वहीं बात करते हैं अनुज यादव की, तो ये रेडर है, 10 मैच प्ले किया है इन्होंने और रेट पॉइंट जो रहा है इनके 36 रहा, रेट्स इन्होंने 65 किया हुआ और रेट स्ट्राइक जो रहा है 55.38 करा गाइस। वहीं बात करते हैं टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो जो रहा है इनका 20 करा। वहीं हम बात करते हैं अंकित जाट की, तो ये डिफेंडर है, राइट कॉर्नर को कवर करते हैं और 12 मैचेज इन्होंने प्ले किया हुआ है और टैकल पॉइंट जो रहा है इनके 58 के रहा है और टैकल्स टोटल जो इन्होंने जो इनका टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो जो रहा 48.28 करा, बहुत अच्छा है। तो आप अंकित जाट को किसी जीएल टीम में आप ट्राई कर लेना क्योंकि ये अच्छे डिफेंडर हैं और डिफेंडर मनीष
शर्मा की बात करूँ तो मनीष शर्मा भी बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, 17 मैचेज प्ले किया है और इन्होंने 94 टैकल किया हुआ है, और टैकल जो इनका रेट रेशियो रहा है 33.3 का रहा है, और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो जो रहा है 19.15 का रहा है। गाइज वहीं बात करते हैं राशिद अली, तो ये भी बहुत कम मैचेज खेले, इधर के 2-3 मैच खेले हैं, बट इनका जो टैकल पॉइंट रहा है 36 रहा है। ये भी डिफेंडर है, लेफ्ट कॉर्नर को कवर करते हैं, 4 रेट पॉइंट है इनका, और स्टार्टिंग के कुछ मैचेस खेले थे तो राशिद अली को कम मैचेस खिलाया गया है और कम मैच में इनको चांस मिला है। वहीं बात करते हैं राजेंद्र भक्कर की, तो डिफेंडर हैं ये भी, 8 मैचेज ही प्ले किया इन्होंने भी, और इन्होंने 33 टैकल पॉइंट किया हुआ, और गाइस वहीं इसका टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो जो रहा 36.36 का रहा। वहीं हम बात करते हैं टीम प्रीव्यू मराठा मार्बल्स की, तो मराठा मार्बल्स की तरफ से सबसे अच्छे प्लेयर जो आपको दिखेंगे राइट रेडर निखिल को, निखिल को अपने टीम में जीएल प्लस एसएल में पिक कर लेना। 17 मैचेज इन्होंने प्ले किया हुआ है, इनका जो पॉइंट्स है टोटल रेट पॉइंट्स 167 है और रेट्स इन्होंने 267 किया हुआ है, और वहीं टैकल पॉइंट की बात करो तो 22 है और टैकल पॉइंट्स जो इनके 4 है। रेड स्ट्राइक बहुत अच्छा 62.54 का रेशियो इनका, और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो इनका 13.64 का है। गाइस वहीं बात करते हैं पंकज का, तो पंकज ने 15 मैचेज प्ले किया हुआ है और इनका रेड पॉइंट 102 रहा, रेड्स इन्होंने 194 किया हुआ है, और टैकल पॉइंट जो रहा 12 रहा, और गाइस इनका रेड स्ट्राइक रेट जो रहा 52.5 का रहा, और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो जो रहा 8.3 का रहा। तो ये भी अच्छे प्लेयर है गाइस, अपने टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करते हैं उदय दवास की, तो उदय दवास ये राइट रेडर है, 8 मैचेज प्ले किए हुए हैं और 59 इनका रेड पॉइंट है, रेड्स इन्होंने 103 किया हुआ है। गाइस वहीं बात करते हैं रेड स्ट्राइक रेट का, तो 57.28 है और बोनस इन्होंने 16 किया हुआ है। वहीं हम बात करते हैं गाइस गौतम तैमूर की, तो ये रेडर है, राइट रेडर है, 13 मैचेज प्ले किए हुए हैं, रेड पॉइंट्स इनका जो रहा 39 रहा और रेड्स इन्होंने 71 किया हुआ है। गाइस टैकल पॉइंट जो इनके रहा 17 रहा, और टोटल में रेड स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो इनकी 54.92 का रहा। गाइस वहीं बात करते हैं टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो जो रहा इनके 23.53 का रहा। गाइस वहीं हम बात करते हैं किशन कुमार की, तो लेफ्ट रेडर है, इन्होंने 8 मैचेज प्ले किया हुआ है, रेड पॉइंट जो इनका रहा 30 है और रेड्स इन्होंने 30 किया हुआ है, रेड पॉइंट पर मैच इनके 3.8 का रहा और रेड स्ट्राइकर 75 का रहा। बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड्स भी रहा है, बट ये कम मैचेज प्ले किए हैं तो आप अपने टीम में इनको ड्रॉप कर सकते हो। वहीं परमवीर यादव की बात करो तो ऑलराउंडर हैं ये, इन्होंने 10 मैचेज प्ले किया हुआ है और इनका जो रेड पॉइंट रहा 16 रहा, रेड्स इन्होंने 44 किया हुआ है, टैकल पॉइंट जो इनका है 25 है और रेड स्ट्राइकर जो इनका रहा 36.36 का रहा और टैकल सक्सेसफुल रेड रेशियो इनका 14 का रहा। गाइस वहीं हम बात करते हैं उदित रामराज की, तो इन्होंने 6 मैच ही प्ले किया हुआ है और इन्होंने रेड पॉइंट जो इनका रहा 18 का रहा और रेड्स इन्होंने 33 किया हुआ है और रेड स्ट्राइक रेट जो इनका रहा 54.54 का रहा। गाइस वहीं हम बात करते हैं अभिषेक का, जो लेफ्ट रेडर है, इन्होंने 4 मैचेस प्ले किया हुआ है और रेड स्ट्राइक रेट जो रहा इनका 50 का रहा और रेड्स जो इन्होंने 4 किया हुआ है। गाइस वहीं हम बात करते हैं टीम प्रीव्यू की, जो आज के मैच के टीम प्रीव्यू वाली है, तो इससे पहले गाइस हम आपको ये बता दें कि ये विजन 11 अगर आप लॉसेस में हैं और आपको टाइम नहीं मिलता है टीम एडिट करने का और अच्छा विनिंग चाहते हैं कंपटीशन के लिए, तो आप विजन 11 को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि लिंक ऑलरेडी मैंने यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हाई इन्वेस्ट आप इस पर कर सकते हो और लॉस रिकवर इस पर कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा 2 मिनट टाइम मिलता है, ईजिली आप अपने मुताबिक अपने टीम को एडिट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको बास्केटबॉल का भी टीम 5 मिनट एक्स्ट्रा रहता है, आप इजली किसी भी टीम को एडिट कर सकते हो और अच्छा विनिंग कर सकते हो, कंपटीशन भी यहाँ पे कम है। तो गाइस ऑलरेडी चैनल पे भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजन 11 का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना और उसमें डाउनलोड करने के बाद में आप इंस्टॉल करना और आराम से जो मैं टीम पोस्ट करता हूँ अगर एडिट नहीं होता तो आपको इजीली एडिट करने को मिल जाएगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा और बास्केटबॉल 5 मिनट एक्स्ट्रा इस पर रहता है। अच्छा एप्लीकेशन है जो आपके लिए अच्छा बेनिफिट्स रहने वाला है। गाइस वहीं हम बात करते हैं टीम प्रीव्यू का, तो जो हमारी सेट टीम प्रीव्यू रहने वाली है, डिफेंडर में मैंने एल गोसलिया को लिया हुआ और के कुमार को लिया हुआ है डिफेंडर सेक्शन में। गाइस वहीं बात करता हूँ राम कुमार की, तो राम कुमार को मैंने ऑलराउंडर सेक्शन में लिया हुआ है और ए यादव को लिया हुआ है। और वहीं बात करें रेडर्स में मैंने विशाल चौधरी को और निखिल को लिया हुआ है, पंकज को लिया हुआ है। गाइस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो मैंने कैप्टनसी राम कुमार को लिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छे प्लेयर है, बट ये लास्ट मैच काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इससे पहले 2-3 मैच इनका अच्छा नहीं गया था, बट मैं बात करूँ राम कुमार ये क्वालिफायर मैचेज हैं
तो ये इसमें अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे कल के मैच में, इसलिए आप रामकुमार के साथ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जा सकते हो। निखिल भी अच्छे ऑप्शन है जो वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी के लिए, आपके पास में एल गुसलिया भी ऑप्शन है और के गुज्जर भी है। तो गाइस ये हमारी सेट टीम है, फाइनल टीम जो आने वाली है गाइज वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएगा, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना @panther11abc और ज्वाइन कर लेना, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दिख जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फाइनल टीम जो आने वाली है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट होगी और जो भी इन्फॉर्मेशन मैच के रिगार्डिंग होगी वो सारी चीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट होगी, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को, और फाइनल टीम जो आप गेट करोगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ही करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।